और नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बताएंगे कि डिजिटल सिग्नेचर की वैलिडिटी कैसे चेक करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर का सीरियल नंबर कैसे चेक करेंगे। तो देखिए, हमारे पास टोकन है, ई पास का है। ई पास का टोकन हो या फिर WD प्रॉक्सी की का हो, चेक करने का तरीका एक ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग इन करेंगे। लॉगिन में यूजर पिन मांगेगा, जो आपका पिन आईडी दिया गया है डिजिटल सिग्नेचर के साथ, उसको डाल के ओके करें। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जिनका सर्टिफिकेट है, यूजर का नाम यहाँ पे दिख रहा है। तो डिटेल देखने के लिए यहाँ पे हम लोग करेंगे व्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे वैलिडिटी दिखा रहा है, वैलिड फ्रॉम 6/9/2018 से लेके 5/9/2018। तो ये वैलिडिटी दिखा रहा है। यहाँ पे डिटेल्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर दिख रहा है। ये देखिए, ये सीरियल नंबर है। तो यहां से आप डिजिटल सिग्नेचर का सीरियल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सीरियल नंबर की टेंडरिंग में के लिए जब आप यूजर फॉर्म क्रिएशन में जाएंगे तो वहां पे डिजिटल सिग्नेचर का सीरियल नंबर मांगता है। तो आपको डिजिटल सिग्नेचर कैसे प्राप्त करना है मालूम होना चाहिए। तो दो बेसिक चीज हम लोग अभी सीखे कि सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे और सीरियल नंबर कैसे चेक करेंगे कि आपका डिजिटल सिग्नेचर वैलिड है या नहीं, उसकी वैलिडिटी चेक कर सकते हैं और सीरियल नंबर आप अगर जरूरत है तो देख सकते हैं। तीसरा चीज हम लोग देखते हैं यूजर पिन। चलिए, आपने सर्विस प्रोवाइडर ने आपको जो पिन दिया, आप चाह रहे हैं चेंज करना, तो आप क्या करेंगे, करेंट यूजर पिन डाल दीजिए, नया पिन जो आप डालना चाह रहे हो डाल दीजिए और फिर उसको कंफर्म कर दीजिए। और इस प्रकार से आप अपना पिन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है चेंजिंग यूजर पिन सक्सेसफुल। तो तीन चीज आज हम लोगों ने देखा, बेसिक इन्फॉर्मेशन डिजिटल सिग्नेचर के बारे में कि उसकी वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे, सीरियल नंबर कैसे चेक करेंगे और पिन कैसे चेक करेंगे। तो तीन चीज आज हम लोग सीखे। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में